भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राप्ति का उपाय सत्संग बताते हैं, क्योंकि सत्संग से भगवान में, भगवत प्राप्त गुरु में प्रेम भक्ति का वर्धन होता है। जिसको भागवत के गोपी गीत में गोपियों ने कहा, सुरत वर्धनम, और उसके बढ़ने से शोक नाशनम, शोक मिट जाता है, दुख मिट जाते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में से दुख मिटाना चाहता है, परंतु दुख मिटाने का रास्ता उसका गलत है। इसलिए दुख को दूर करने के लिए और सुख पाने के लिए प्रयास में रत लोग दुखी देखे जाते हैं, क्योंकि रास्ता दुख मिटाने का सही नहीं है। जैसे कोई आदमी बद्रीनाथ जाना चाहे तो उत्तर दिशा में न जाकर दक्षिण दिशा में जा रहा है, कैसे पहुंचेगा? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। धार्मिकता जहां उपद्रव का कारण बन जाती है ना, वहां भगवान या भगवान की शक्ति वो मदद रूप नहीं होती है कहलाने वाले तथा कथित धार्मिक को। इसलिए जीवन में धार्मिकता दिखावटी ना हो। मंदिर में आरती की MP3 चलाकर पुजारी जाके सो गया और पूरी सोसाइटी में शोर मचता रहा। पुजारी कहां है? बोले वो तो सो रहे हैं। ये धार्मिकता नहीं है। रात भर ढोल धमाके लेकर शोर करते रहे, फिल्मों की धुन पर भजन गाते रहे, क्या कर रहे हो? बोले माता का जागरण कर रहे हैं। जागरण कर रहे हो कि परेशान कर रहे हो लोगों को? अड़ोस पड़ोस वालों का जीना हराम कर दिया, बच्चों की पढ़ाई खराब कर दी, अब बोले जागरण कर रहे हो। ये जागरण नहीं है। हमारी भक्ति ऐसी हो जो गोपियां कहती हैं, सुरत वर्धनम, सुरति बड़े, सुरति माने याद बनी रहे। हम विस्मरण करना चाहें तो भी ना हो, ईश्वर का गुरु का कोई विस्मरण करना चाहे तो भी ना हो, उसको सुरति कहते हैं। और सुरति शब्दों में ना हो, भाषा में ना रहे, वो हमारे प्राणों में प्रतिष्ठित हो जाए। जैसे श्वास नींद में भी चलती रहती है, ऐसे सुरति बनी रहे कि हम किसके हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसी सुरति से गोपियां कहती है शोक नाशनम, शोक अपने आप मिट जाएंगे। जैसे शिव जी ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया और कहा कि इसको चलाना नहीं, केवल इसका सुमरण बनाए रखना, तुम जीत जाओगे। और अर्जुन जीते हैं। कईयों के जीवन में सुरति दुख के कारण होती है। दुख आया है इसलिए ईश्वर और गुरु को याद करते हैं कि उनकी कृपा से मेरा दुख मिट जाए। पर दुख के कारण जो सुरति हो, जो सुमरण हो, जो भगवत ध्यान गुरु ध्यान हो, उसका इतना मूल्य नहीं है। क्योंकि दुख में आदमी रोता भी है। और ये हमेशा याद रहे कि दुख के आंसू तकदीर की स्याही को मिटाने का दम नहीं रखते। भक्ति के आंसू तकदीर की स्याही को मिटाने का दम रखते हैं। दुख के आंसू तो इंसान का दुख और बढ़ा देते हैं, वो व्यक्ति को और बोझिला बना देते। पर भक्ति के आंसू, भगवान राम ने धनुष कब तोड़ा जनकपुर में? जब सीता जी की आंख में आंसू आ गए तब तोड़ दिए। ये संकेत है, सीता माना भक्ति। भक्ति के आंसू ईश्वर से सहन नहीं होते और वे करुणा कृपा बरसा देते। जब सीता जी की आंख में आंसू देखे
तो तेही क्षण उसी समय तेही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। कई लोग सोचते हम दुखी होकर रोएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा, ईश्वर को दया आ जाएगी हम पर, नहीं। अंधेरा कभी रोशनी में प्रवेश नहीं कर सकता है। द्रौपदी ने पुकारा था तो उसकी पुकार अंधेरे से उठी पुकार नहीं थी, उसके दिल में भक्ति का उजाला था, तब पुकार उठी है। और दुशासन हारा है। भागवत में आठवां स्कंद और गजेंद्र मोक्ष अगर पढ़ते हैं तो गजेंद्र ने जब मगरमच्छ ने उसको पकड़ के खींचा तो उसने दुखी होकर नहीं पुकारा है। उसका जो पाठ अगर कोई करे, गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की है, तो उसकी पुकार दुख से नहीं उठी है, भक्ति भाव से उठी है, प्रेम से उठी है, श्रद्धा से उठी है। तो दुख के कारण की गई सुरति में ईश्वर को सेवक बनाने का इरादा होता है, और भक्ति भाव से उठी हुई सुरति में ईश्वर के सेवक बनने का इरादा होता है। दुख में तो आदमी ईश्वर को ही बस भगवान तू ऐसा अपने अनुकूल चलाने का इरादा ही आदमी करता है। और रही बात ये बाह्य भजन, केवल ऑर्केस्ट्रा पार्टी वालों को बिठाकर एक गीत, दूसरा गीत, तीसरा भजन, चौथा भजन, ये बाह्य भजन फूलों जैसा है। फूल मुरझाएंगे, रात बीतेगी तो सुबह सो जाएंगे सूरज उगने पर। क्या किया? बोले रात को जागरण किया इसलिए अब सोएंगे। सूरज उदय होने पर भजन जप ध्यान करना चाहिए और सूरज उगने पर सो रहे हैं। तो ध्यान दें, बाह्य भजन फूलों जैसा है और भीतरी भजन सुरति, सुरति माने फिर से कहूं, जिसका हमें विस्मरण न हो, करना चाहे तो भी न हो, श्वास बंद करना चाहे तो भी अपने आप श्वास बंद नहीं होगी, नींद में भी चलती रहेगी। तो बाह्य भजन फूलों जैसा है और भीतरी सुरति इत्र की तरह है। इत्र खराब नहीं होती, सुगंध देती है, प्रफुल्लित करती है, फूल मुरझा जाते हैं। इसलिए बाह्य भजन मनोरंजन है और भीतरी भजन सुरति वो मनोभंजन है। उससे व्यक्ति की अंतरयात्रा अच्छी होती है और अंतरयात्रा अच्छी होने पर बाह्य यात्रा भी बहुत बढ़िया होती है। बाह्य जीवन में कदम कदम पे सुख और सफलताएं उस व्यक्ति का वरण करती है। श्री कृष्ण ने इसी सुरति पर जोर दिया, भगवत गीता के आठवें अध्याय में कहा, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मई अर्पित मनोबुद्धि माम वैश्यस्य संशयम्। सब काल माने सब समय में वो सुरति बनी रहे। तो जहां ऐसी सुरति बनी रहती है तो नौ ग्रह भी उसको अनुकूल हो जाते। ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रहा राज्य हरन्ति च, ग्रह राज्य दे भी सकते हैं और ये नौ ग्रह राज्य हर भी सकते हैं। ग्रहा व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। जिसके दिल में सदगुरु का वास, सुरति बनी रहती है, वहां ग्रह राज्य हरन्ति नहीं, ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, उसको देते हैं। क्योंकि ग्रहों के स्वामी शिवजी हैं और जो शिव हैं वो गुरु हैं, जो गुरु हैं वो शिव हैं। ऐसे भगवत स्वरूप गुरु से जब दीक्षा मिलती है और उसका जप किया जाता है तो ग्रहों का स्थान हमारे हाथों में भी माना गया है। बोलते ना किसी के पहली उंगली के नीचे, भाई आपका गुरु बलवान है, शुक्र बलवान है, अथवा शनि अच्छा है, सूर्य अच्छा है, ऐसे ज्योतिष विद्या के जानकार लोग वो हाथ देखकर बोलते हैं।
तो अगर हाथ के द्वारा कोई दुष्कर्म करता है तो ग्रहों के देवता नाराज होते हैं, और हाथों से माला लेकर कोई जप करता है तो ग्रहों के देवता प्रसन्न होते हैं। तो ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, और दुष्कर्म करे तो ग्रह राज्यम हरन्ति च, ये भी हो सकता है। थोड़े समय के लिए जरूर लगा पांडवों का राज्य हरण कर लिया गया, परंतु समय आया कौरवों का विनाश हुआ और पांडवों की जय जय का राज भी हो रही है, क्योंकि पांडव सत्कर्म में रुचि रखते थे, जप और सुमिरन में रुचि रखते थे। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद में प्रार्थना की गई है, शम नो मित्र शम वरुण, हे सूर्य भगवान हमारी आंख को तू पवित्र रखना। शम नो मित्र शम, हमारी आंख ठीक रहे ताकि हमारी भक्ति बढ़ती रहे। वेदों में कितनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, अग्ने न सुपथाराय यस्मान, अग्नि की तरह हम ऊपर उठे आध्यात्मिकता में, उपासना में। जैसे मां चामुंडा का मंदिर पहाड़ी पर, इस संकेत है कि ऊंचे उठे, उन्नत हो, गिरे नहीं, अधोगति को न जाएं, ऊर्ध्व गति को पाएं। जीवन काल में ऊंची गति होगी तो मरने के बाद भी ऊंची गति होगी। ये पहाड़ियों पर मंदिर, कई केदारनाथ पहाड़ी पर है, बहुत ऊंचा हाइट पर, बद्रीनाथ कितना ऊपर। वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ, ये संकेत करते हैं। ये मंदिरों के ऊंचे ऊंचे शिखर, और मंदिरों के शिखर पर लहराती हुई ध्वजाएं हमें संकेत करती हैं कि हमारे जीवन में भी भीतर ऐसे गौरी शंकर के शिखर हैं जहां हमने देखना बंद कर दिया है, उधर की ओर देखें। और उधर की ओर देखना है तो आंख को बंद करना, स्थिरता और एकाग्रता को अपनाना। गीता सुनकर अर्जुन जगे, द्वारिकाधीश के दर्शन करके मीरा को लौ लगी, और गुरु की आज्ञा का पालन करके शबरी को नवधा भक्ति मिली। एक एक साधन मिला, ये लोग तर गए, अपना कल्याण कर गए। और हमको देखो, हम लोगों को गीता भी सुनने को मिलती है, गुरुदेव की आज्ञा भी हमारे कानों से टकराती है, गुरुदेव के वचन हमारे कानों में भी पड़ते हैं, और मूर्तियों के दर्शन मंदिरों में हम भी करते हैं। तो क्यों ना हम भी सुरत वर्धनम तो शोकनाशनम, इतर राग विस्मारणम निर्णाम। इतर राग विस्मारण मतलब और जगह जो राग है, ममता है, आसक्ति है, वो हटे और अपने आराध्य में लगे। तो तैत्तरीय उपनिषद में प्रार्थना की गई, शम नो मित्र शम वरुण, सूर्यदेव स्वयं गुरु भक्त है, गुरु बृहस्पति जी के अनन्य भक्त हैं। सूर्य को अर्घ देना मतलब ये नहीं खाली एक लोटा पानी चढ़ा दिया, सूर्य भगवान को कोई हमारे पानी की भूख नहीं है, पर अर्घ देकर जो ये भाव अर्पित करता है कि आपके अंदर गुरु भक्ति अनन्य है बृहस्पति जी के प्रति, हमारे पास भी ऐसी भक्ति आए कि हमारी आंख और हमारा मन ठीक रहे, पवित्र रहे, भक्ति से भरा रहे, हमारी आंख में कभी पाप ना आए। इस भाव से सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तो नेत्र ज्योति के मालिक देवता सूर्य भगवान, वो देखने की शक्ति तो देखते हैं, देते हैं, पर उनकी तरह गुरु में भक्ति बढ़े तो फिर आंख से द्वैत की तपन दूर हो और अद्वैत की शीतलता आंखों में रहे। शम नो मित्र शम वरुण शम नो भवत्तर्यमा, हे अर्यमा देव आप हमें धर्म में लगाइए, अधर्म से हमें बचाइए। शम नो भवत्य अर्यमा, धर्मे मति रस्तु, हमारी बुद्धि धर्म में लगे। धर्म क्या है? घर में पति पत्नी के प्रति द्वेष न रखे, वैर जैर न रखे,
सास बहू के प्रति प्यार बरसाए, ये धर्म है। बहू सास के प्रति आदर बुद्धि रखे, धर्म है। और ऐसा धर्म जिस घर में है उस घर में लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। जहां घर में क्लेश आया पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, ननंद भाभी के बीच, वहां से फिर लक्ष्मी विदाई लेती है। इसलिए प्रार्थनाएं की गई है, शम नो भवत्यर्यमा, अर्यमा देव हमारी बुद्धि को धर्म में लगाए। इसलिए वेद के मंत्र बोले जाते हैं, आजकल शादियों में इधर उधर फिल्मों के गीत बजाते हैं, डीजे साउंड आदि, बस गाने बजाओ, नहीं वो ना हो, बल्कि ये वेद के मंत्र गूंजे। आज पंडित लोग मंत्र तो जल्दी बोल देते हैं, उनको भी जल्दी है बेचारों को, और फेरे फिरने वालों को भी जल्दी है, और बारातियों को तो जल्दी है ही, किसके पास टाइम है। शादी होती ना तो लड़के वाले देखते हैं कि लड़की दिखने में कैसी है, ठीक ठाक तो है, जोड़ी जमेगी तो सही, और दहेज कितना दिया है, क्या क्या दिया है। लड़की वाले देखते हैं कि लड़का भी दिखने में कैसा है, क्या कमाता है, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, उनके घर में और कौन कौन है। पर बाराती जो आते हैं ना उनको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं, उनको तो तक खाने में क्या क्या बना है। सबको ऐसा भी नहीं होता, पर 100 बार शादी बारातों में कोई जाता है, इस सत्संग में एक आदमी ने सुना, 100 बार कोई शादी बारातों में जाता है तो साधु असाधु हो जाता है, और 100 बार किसी की श्मशान यात्राओं में कोई जाता है, जब भी मौका मिला तो श्मशान यात्रा में गए भाई लोग, तो असाधु भी साधु बन जाता है। एक सेठ ने ये बात सत्संग में सुनी मुझे, उसने कहा, बहुत बड़े सेठ है, बोले मैंने ये बात सुनी उसके बाद मैं किसी की शादी में जाता ही नहीं, और किसी की अंतिम यात्रा देखता हूँ तो गाड़ी वहीं खड़ी करके लॉक करके चला जाता हूँ पीछे पीछे, और अपने मन को समझाता हूँ कि देखना एक दिन तेरी भी यही हालत होगी, लोग तुझे भी ऐसा ही उठा कर ले आएंगे और जला देंगे, उठा कर लाएंगे तब बोलेंगे राम नाम सत्य है, जिंदगी भर जिस नाम को वो सच मानता रहा कोई नहीं बोलेगा फलाना सेठ सत्य है, फलानी सेठानी सत्य है, राम नाम सत्य है। बस जीवन काल में जो मान ले कि यही सत्य है तो शम नो मित्र शम वरुण शम नो भवत्यर्यमाम शम नो इंद्रो बृहस्पति, वाणी के अधिष्ठाता देव बृहस्पति हमारी वाणी को पवित्र रखे, हमारी वाणी के द्वारा गलत शब्दों का उच्चारण न हो, गलित शब्दों का उच्चारण न हो, अच्छे शब्दों का उच्चारण हो। एक महात्मा किसी को बता रहे थे अपना अनुभव कि मेरे पिताजी मुझे बचपन में कहा करते थे कि बेटा किसी पर गुस्सा आए ना और गुस्से में उसको कुछ कहने का विचार आए तो अपने आप को रोक लेना कि मैं इसको कल कुछ सुनाऊंगा, आज के बदले कल इसको सुना दूंगा बराबर की। तो पिताजी ऐसा क्यों, बोले बेटा अगर तू गुस्से में उसी समय कुछ बोल जाएगा तो कुछ भी बोल देगा और फिर बाद में पश्चाताप करेगा। नारद जी को भगवान विष्णु पर क्रोध आया और कुछ भी सुना दिया, पर बाद में नारद जी को हुआ कि अरे मुझे ईश्वर पर क्रोध नहीं करना चाहिए था, माफी मांगी। तो तू भी बेटे गुस्से में आकर बोल मत देना, सोचना कि कल इसको कुछ सुना दूंगा मैं, तो थोड़ी देर बीतेगी तो अपने आप तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा और गुस्से में कहे हुए अपशब्दों के पाप से तू अपने को बचा सकेगा। और बोले मुझे पिताजी की बात ठीक लगी, मैंने इस बात को अपने जीवन में क्रियान्वित किया, क्रोध आने पर मैं किसी को कुछ सुनाता नहीं था, चुप रहता था कि बस कल सुना दूंगा इसको, तो शाम तक तो गुस्सा रहता, इतना थोड़ी देर बाद गुस्सा नहीं रहता था, शाम को तो बिल्कुल ही नहीं रहता था।
जिसके भी मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष और क्रोध की गांठ रहती है, समझो वो भक्त नहीं है, कमबख्त है। किसी के प्रति भी गांठ रह जाती है और उसके प्रति द्वेष करता है या उससे घृणा करता है, वो समझो उसने भक्ति की ही नहीं है। वो व्यक्ति भगवान का, गुरु का भक्त नहीं है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, इन ग्रंथियों का भेदन हो जाए, नष्ट हो जाए। कोई आदमी रुपया कमाने का बहुत शौकीन हो, उसको लगे बस मैं पैसा बहुत इकट्ठा करूं, खूब कमाऊं, कमा ले सुविधाएं बढ़ा लेगा, हो सकता है कि मेरे पास खूब संपत्ति है, परंतु उसको इतना नुकसान नहीं है, धन इकट्ठा कर लिया सब छोड़ के मरेगा। परंतु जिसने गलत धारणाओं का परिग्रह कर लिया, न्यूज चैनलें देख देख कर, किसी से फालतू बातें सुन सुन कर, गलत धारणाओं का अगर दिमाग में संग्रह किया तो उस आदमी को बहुत घाटा होगा, क्योंकि वो जब मरेगा तो सब गलत धारणाएं अपने साथ लेकर के जाए, सारा कचरा लेकर जाएगा। रुपयों का, सोने चांदी का परिग्रह करने वाला तो घाटे में नहीं है, सब छोड़ के मर जाएगा, पर गलत धारणाओं का परिग्रह किया साथ में लेकर जाएगा। गलत विचारों का परिग्रह मौत छुड़ा नहीं पाएगी, और ये गलत विचार क्षुद्र विचार क्षुद्र योनियों में जन्म लेने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए जरूरत है सत्संग की, जरूरत है भगवान के नाम जप की, जरूरत है गुरु से दीक्षा लेने की। दीक्षा जिन्होंने ली है उनको तो धन्यवाद, जिन्होंने न ली हो वो दीक्षा जरूर लें, क्योंकि जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है वो तो पशु से भी गया बीता है। पशु तो अपना पाप भोग कर दूसरे जन्म में मनुष्य बनने की तैयारी कर रहे हैं, पर मनुष्य न करने का करके, न खाने का खा के, न पीने का पी के, फिर से पशु बनने की तैयारी कर रहा है। पशु होते हैं ना, सुबह उठकर माला थोड़ी करते हैं, पाठ थोड़ी करते हैं, पूजा थोड़ी करते हैं, सुबह उठते ही चारा चरने लग जाते हैं। तो मनुष्य भी अगर सुबह उठकर चाय कॉफी और बिस्किट में लग गया तो पशु में और मनुष्य में फर्क क्या रहा? मन में पशुता आ गई तो शरीर भी पशु का ही मिलेगा। मनुष्य वो है जो सुबह उठे, भगवान नाम जप करे, एकादशी आए तो व्रत कर ले, नवरात्रि आए तो जप पाठ विशेष कर ले, और सत्संग गुरु का विचार कर, गलत धारणाओं के परिग्रह से छूट कर, सुरत वर्धनम शोक नाशनम, ऐसा हो जाए। एक आदमी ने रिक्शा वाले को आवाज दी, ए भाई, ओ रिक्शा वाले, हाँ साहब, खाली है क्या? बोले हाँ। तो उसने कहा ठीक है, आओ अपन दोनों मिलके ताश खेलते हैं। रिक्शा वाले को लगा खाली है मतलब अभी पैसेंजर होगा, कहीं जाना होगा इसको, बोलते खाली है, बोले हाँ, आओ ताश खेलते। निंदा करने वाले और आलोचना करने वाले भी उस आदमी की तरह है, उलझाते हैं दूसरों को, आवाजें लगाते रहते हैं जिससे वो आवाज लगा रहा है, खाली है क्या? बोले हाँ, आओ ताश खेलते हैं। निंदा करने वाले भी, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी, वो यही आवाजें लगाते रहते हैं, ये देखिए ये देखिए, उलझाते हैं, खुद उलझे हुए हैं, सुलझे हुए लोगों को भी उलझाने की निरर्थक कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग भी समझते हैं कि आलोचकों का तो काम ही होता है आलोचना करना, कभी दहशत फैलाते हैं तो कभी अफवाहें उड़ाते हैं, कभी आलोचना करते हैं। बीच में नहीं दहशत फैलाई थी, 2-3 साल 4 साल पहले से चिल्लाना शुरू कर दिया था, 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो किसी डायरेक्टर ने तो फिल्म भी बना दी, मुझे किसी ने बताया 2012 प्रलय दिखा रहे हैं उसमें, मुझे किसी ने कहा कि ऐसी फिल्म भी बन गई, और ये चिल्लाते रहते थे आई सुनामी समुद्री भूकंप जापान में, और बोलते ये देखिए 2012 का ट्रेलर है, 21 दिसंबर 2012 सब खत्म हो जाएगा।
तो मुझे कई लोग बेचारे पूछते थे कि आपका क्या कहना है, ये लोग बोलते हैं 2012 21 दिसंबर सब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा एक ही बात विचारों ने, ईश्वर ने दुनिया बनाई तो इनसे पूछकर बनाई थी, जो ये 21 दिसंबर बोलेंगे तो भगवान प्रलय कर देंगे। तो कभी कुछ अफवाहें उड़ाना, बेसिर पैर की बातें बोलना, इससे क्या मिल जाएगा? भगवान से तो कोई लेना देना ही नहीं रहा ऐसे लोगों का। ईश्वर का नाम जप करना चाहिए, एकादशी आए तो व्रत करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, शुक्ल पक्ष में दूध से पूनम तक चंद्रमा को अर्घ्य दें ताकि दुकान में कामकाज में बरकत पड़े। कोई लेना देना नहीं ईश्वर से, बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालिग्राम, पूजा किसकी करूं, यही है। कराग्रे वसते लक्ष्मी नहीं है इनका उद्देश्य, कराग्रे वसते ब्रेडम करम अध्य बिस्किटम करमूले चाय पात्रम प्रभाते कप दर्शनम, ये इनका उद्देश्य है। भक्त का तो होता है कराग्रे वसते लक्ष्मी करम अध्य सरस्वती करमूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये भक्त का होता है भाव, पर मूढ़ आदमी का नहीं। ना समझी बड़ी गहरी होती है। लड़की वाले बोले पंडित जी को, पंडित जी ऐसा लड़का दिखाओ जो खाता पीता ना हो, तो पंडित जी बोले ऐसा लड़का तो आईसीयू में या इमरजेंसी में ही मिल सकता है, कोमा में पड़ा होगा बेचारा, खाता पी, अरे खाता पीता ना हो मतलब मांसाहारी ना हो, शराबी ना हो, इस अर्थ में कह रहे हैं लड़की वाले, बोले ऐसा लड़का तो आईसीयू में मिलेगा। ना समझी बड़ी गहरी है, तो ना समझी कैसे मिटती है, ना समझी के कारण दुख होते हैं, दुख कैसे मिटते हैं, शास्त्र कहते हैं ये सुमरंती च गोविंदम सर्व काम फल प्रदम तापत्रय विनिर्मुक्ता जायन्ते दुख वर्जिता। ये सुमरन्ति च गोविंदम, जो अपने आराध्य के सुमरण में तल्लीन रहते हैं, तापत्रय विनिर्मुक्ता, तीन ताप होते हैं, आदि भौतिक ताप, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये बूट चाहिए, ये आदि भौतिक ताप बना रहता है अभाव, और अभाव के द्वारा कभी दुख मिटता नहीं है, क्योंकि अभाव मिटता नहीं है। कभी कोई अभाव खटकेगा, कभी कोई अभाव, जब तक भक्ति नहीं पाई तब तक अभाव बना रहेगा। हकीकत में दुख वस्तु के अभाव में नहीं होता है, दुख ज्ञान के विचार के अभाव में होता है, क्योंकि वस्तुएं सब किसी को मिल भी गई तो भी उसके दुख थोड़ी मिट गए। अमेरिका में सुविधा संपत्ति लोगों के पास बहुत है, फिर भी देखो तो उधर अशांति बहुत है, बीमारियां बहुत है, भारत की अपेक्षा वे लोग बीमार बहुत पाए गए, दवाइयां हमारे देश से कई गुना ज्यादा विदेशों में खर्च होती है, फिर भी वो लोग बीमार है, क्योंकि वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं है, सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है। इसीलिए अपने हिंदू धर्म में तो कैसी महान परंपरा है कि किसी की मृत्यु हुई तो उसके लिए गीता पाठ कर लिया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया, फिर पिंडदान आदि कर दिया, अग्नि संस्कार हो गया, अस्थियां आंवले के रस में धोकर गंगा में विसर्जित कर दी ताकि उसकी सदगति हो जाए। तीसरा मनाते हैं, बारहवां मनाते हैं, कितने सुंदर सनातन धर्म के रीत रिवाज हैं। जीवन काल में तो आदमी सुखी रहे, शरीर छूटने के बाद भी उसकी ऊंची गति हो जाए। किसी की बुजुर्ग की मृत्यु होने वाली, अपने को लगे कि इनका शरीर नहीं रहेगा तो उनके पास बैठ के भगवत गीता का 8वां अध्याय पढ़ा जाए, उनकी बड़ी सेवा हो जाएगी, और गुजर गए तो उनके लिए 7वां अध्याय गीता का पढ़ा जाए, उनकी बड़ी सेवा होगी, उनकी आत्मा आपको दुआएं देगी, आशीर्वाद देगी। और जो गुजर गए उनके लिए फिर 12 दिन तक घर की छत पर या खिड़की के बाहर जगह हो तो वहां पर एक मिट्टी के पात्र में दूध गाय का, एक मिट्टी के पात्र में पानी भरकर रखें,
24 घंटे पड़ा रहे, अगले दिन सुबह वो लेकर भले उसमें से पक्षी पीते रहें, अगले दिन वो लेकर पीपल में डाल दें, फिर ताजा भर दें, ऐसा 12 दिन तक करें, उनकी आत्मा तृप्त होती है और घर वालों को आशीर्वाद देती है। सनातन संस्कृति कितनी महान है। कोई आदमी हमारा रिश्तेदार मर गया और उसकी याद बहुत आती है तो उसके लिए 3 काम किए जाएं। एक तो गीता पाठ किया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम किया जाए। दूसरा, जब उनकी याद आए तो ये सी धारणा की जाए कि वो भगवान के धाम में है। और तीसरा, उनके नाम से अमावस्या के दिन गरीब बच्चे बच्चियां 5-7 हो, उनको कुछ खाने का दिया जाए। गीता पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो लोटा जल भर के सूर्य को अर्घ दें कि आज के पाठ का पुण्य हमारे घर के अमुक व्यक्ति जो गुजर गए हैं उनको मिले। कैसी सुंदर परंपरा है। माला से जप करते हैं तो माला में 108 दाने रखे गए हैं। क्यों 108 रखे गए? 110 क्यों नहीं रखे? 111 क्यों नहीं रखे? 108 ही क्यों रखे? कि 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण और 27 चौक 108, 108 अक्षरों में सबके नाम आ गए, सब भाइयों के बहनों के नाम उन्हीं अक्षरों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो 108 दाने की माला लेकर जो गुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेकर जप करते हैं तो 27 नक्षत्र, नक्षत्रों के स्वामी, वो सब उन पर मेहरबान हो जाते हैं, जप करने वालों पर, और उनके जीवन में से दुख, दरिद्रता, रोग आदि ये दूर होते हैं। इसलिए पहले लोग दीक्षित होना पसंद करते थे, आजकल केवल शिक्षित होना पसंद करते हैं। धनभागी है वो जो शिक्षित होने के साथ साथ गुरु के द्वारा दीक्षित होना पसंद करे। और जो दीक्षित होकर जब तब करता है भक्त, तो भक्त गुरु और ईश्वर की कृपा के बादल को अपने पर बरसने पर मजबूर कर लेता है। जैसे 700 रुपए लड़का कमाता था, कल बात बताई थी, महीने जोधपुर में, वो सारस्वती मंत्र लेकर जप किया, अभी वो 16 लाख रुपया एक साल का कमाता है। भक्ति की जितनी महिमा गाई जाए कम है। तो 27 नक्षत्रों में मुख्य है पुष्य नक्षत्र और उसके स्वामी है बृहस्पति। पुष्य नक्षत्र का योग हो और अगर उस समय कोई जप सुमिरन करे और अपने गुरुदेव की तस्वीर को सामने रखकर उनको एकटक देखे, उनसे मनी मन बातें करे, तो वो शिष्य, वो साधक गुरु की ममता का भाजन बन जाता है, गुरु के प्रेम और आशीर्वाद का पात्र बन जाता है। मैं आपको पुष्य नक्षत्र की कुछ तारीखें बताता हूं, मैं भी करूं उन दिनों में, आप लोग भी करें। उस दिन विशेष जप और सुमिरन करें, अपने गुरुदेव की छवि सामने रखकर उनसे बातें करो, फिर देखो गुरुदेव हमको कितना कितना अपना प्यार, अपनी करुणा और अधिक बरसाते हैं। 18 अप्रैल यानी परसों, आज 16 है, गुरु पुष्यामृत योग है दोपहर के बाद 3:30 बजे से। फिर 16 मई गुरु पुष्यामृत योग है दिन भर, महीने में एक आता है ये योग। 18 अप्रैल, 16 मई, 13 जून गुरु पुष्यामृत योग है, सुबह 6 बजे से समझो, उसका फायदा उठाएं, खूब जप सुमिरन करें, प्रार्थना करें। 10 जुलाई पुष्य नक्षत्र का योग, जिसके स्वामी बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु। 6 अगस्त, 1 सितंबर, 1 सितंबर रात को शुरू होता है 12 बजे के बाद, अगले दिन दिन भर रहेगा 2 तारीख को, तो 1 की रात और 2 का दिन। फिर 29 सितंबर पुष्य नक्षत्र का योग है, भक्ति बढ़ाने वाला, गुरु की करुणा कृपा दिलाने वाला। 27 अक्टूबर ये योग है पुष्य नक्षत्र का, 23 नवंबर और फिर 20 दिसंबर,
इन तारीखों में, इन तिथियों में हम खूब खूब लाभान्वित हो सकते हैं। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, सुमरण में बड़ी शक्ति होती है। ये सुमरन्ति च गोविंदम सर्व काम फलप्रदम। तापत्रय विनिर्मुक्त, आदि भौतिक ताप नष्ट हो जाए, अभाव खत्म हो जाए, अभाव का ही अभाव हो जाए। आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, मन जो जप ध्यान में नहीं लगता है वो लगने लग जाएगा उपासना में, भक्ति में। और आदि दैविक ताप, कुदरती कोप नहीं होंगे उस व्यक्ति पर। ऐसे भक्त जहां रहते होंगे वहां अनावृष्टि और अतिवृष्टि नहीं होगी, अकाल नहीं होगा। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें। नवरात्रियां चल रही है, इन दिनों में भी जप सुमिरन विशेष किया जाता है। और व्रतोत्सव ग्रंथ के अनुसार और दूसरे कई ग्रंथों में, भविष्य पुराण में यह आता है कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, यानी कल बुधवार 17 तारीख, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, इस मंत्र से भगवान का पूजन, सूर्यनारायण को अर्घ्य देने से आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की विशेष वृद्धि होती है। ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। हर दिन शुभ और मंगल हो सकता है अगर अंतर में भक्ति हो तो। इसलिए प्रार्थना हम लोग गाते हैं, हे प्रभु आनंद दाता, जिसको पत्रिका नहीं मिली हो सेवाधारी उनको दे दे, जो बाद में आए उनको दे दीजिए जल्दी से। हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती रहती हैं, मिटती नहीं है, कभी कोई कष्ट, कभी कोई समस्या। ऐसे लोग शिव पुराण में बताया हुआ एक प्रयोग कर सकते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, मतलब पूर्णिमा के बाद जो चतुर्थी आती है, उस दिन सुबह 6 मंत्र बोलते हुए गणपति जी को प्रणाम करें कि हमारे घर में ये बार बार कष्ट और समस्याएं आ रही, वो नष्ट हो। 6 मंत्र सरल हैं, आप बोलना साथ में। ओम सुमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः। सुंदर मुख वाले, हमारे मुख पर भी सच्ची भक्ति प्रदान सुंदरता रहे। ओम सुमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः। ओम दुर्मुखाय नमः, ओम दुर्मुखाय नमः। मतलब भक्त को जब कोई आसुरी प्रकृति वाला सताता है तो फिर उसके लिए भैरव देख दुष्ट घबराए। ओम दुर्मुखाय नमः, ओम दुर्मुखाय नमः। ओम मोदाय नमः, ओम मोदाय नमः। मुदित रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, उनका सुमरण करने वाले भी प्रसन्न हो जाएंगे। ओम प्रमोदाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः। प्रमोदाय दूसरों को भी आनंदित करते हैं, भक्त भी प्रमोदी होता है, पर अभक्त प्रमादी होता है, आलसी। आलसी आदमी को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, और प्रमोदी को, जो प्रमादी ना हो प्रमोदी हो, लक्ष्मी उसके घर स्थायी होती है। ओम प्रमोदाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः। ओम अविघ्नाय नमः, ओम अविघ्नाय नमः।
ओम अविघ्नाय नमः। ओम अविघ्नाय नमः। ओम विघ्नकर्त्रे नमः। ओम विघ्नकर्त्रे नमः। एक व्यक्ति ने गुरुदेव से दीक्षा ली, वो थे तो इस्लाम धर्म के मानने वाले, मुस्लिम थे, दीक्षा ली, 12 साल से बेचारे कोरट के चक्कर काट रहे थे, निर्दोष थे। गए दीक्षा वाले दिन ही, कोरट में तारीख थी, दोपहर को जाना था, गए शाम को आश्रम में राजी होते हुए आए कि 12 साल से चक्कर काट रहा था, आज फैसला, दीक्षा लेकर के गया और आज ही फैसला मेरे पक्ष में सुना दिया। तो 6 मंत्र बोलते हुए, जो चतुर्थी को सुबह गणपति का पूजन और रात को चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दें, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये, कौन सी दुश्मन? हमारा भी विघ्न तो दूर हो ही गया, नहीं हुआ प्रैक्टिकल, देखो विघ्न पड़ रहा था कि नहीं, कितना शोर कर रहे थे, गणपति जी का नाम लिया, विघ्न दूर हो गया, धन्यवाद साहब धन्यवाद। ये दूसरा आया, जिनको हाई बीपी और लो बीपी की तकलीफ हो जाती है वे लोग मंगल गायत्री का जप किया करें, और जिनके सिर पे कर्जा है या घर में आर्थिक परेशानी है वे लोग भी मंगल गायत्री दिन में 11 बार 21 बार 51 बार बोला करें, सरल है, बोलना साथ में। ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे, शक्ति हस्ताय धीमहि, शक्ति हस्ताय धीमहि, शक्ति हस्ताय धीमहि, शक्ति हस्ताय धीमहि, तन्नो भौमः प्रचोदयात्, तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः। ये मंगल गायत्री है, बेटा बेटी मंगली हो, उनकी शादी में अड़चन आती हो तो उनको भी ये सिखा सकते हैं, और हाई बीपी लो बीपी की तकलीफ हो वो भी ये करें, फायदा होगा। पर जिनको डायबिटीज की तकलीफ हो उनको फिर शुक्र गायत्री बताओ, ताकि वे इस बीमारी से राहत पाएं, क्योंकि डायबिटीज की बीमारी इतनी बेकार है और गंदी घटिया बीमारी है कि किडनी और आंखों की रोशनी खराब हो जाती है उससे। जिनको डायबिटीज की तकलीफ हो उनको सिखाएं, सुबह शाम पैदल घुमा करें आधा घंटा, और आश्रम की आयुर्वेदिक औषधि वो लें और शुक्र गायत्री जप करें, डायबिटीज को मिटाएं। शुक्र गायत्री मंत्र इस प्रकार है, बड़ा सरल है। ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम भृगु जाताय विद्महे, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। स्वप्न दोष प्रदर रोग की बीमारी से जो पीड़ित हो ना वो भी शुक्र गायत्री बोलें, दिव्य देहाय धीमहि, हम दिव्य देह के धनी हो। दीर्घजीवी होना बड़ी बात नहीं है, दिव्य जीवी होना बड़ी बात है, दिव्य जीवन जीना। स्वामी विवेकानंद दीर्घजीवी नहीं हो पाए पर दिव्य जीवी जरूर थे। स्वामी रामतीर्थ दीर्घजीवी नहीं हो पाए, कम आयु में दुनिया से विदा ले गए, पर स्वामी रामतीर्थ दिव्य जीवन जी गए।
तो हम भी दिव्य जीवी बने, जैसे प्रार्थना में गाया दिव्य जीवन हो हमारा, दीर्घ जीवी भी हो। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, चिरायु हो। अपने शास्त्रों में तो प्रार्थना की गई है ना, सबके लिए शुभकामना की गई है। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धि रस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। कितनी सुंदर प्रार्थना की गई, गोत्र की वृद्धि हो, आयु की वृद्धि हो, घर में धन संपत्ति की वृद्धि हो और वंश में भक्ति बनी रहे, संतान के अंदर आने वाली हर पीढ़ी ध्रुव प्रहलाद मीरा की तरह भक्त हो, कुल को तारने वाली हो। मधुर व्यवहार पुस्तक है आश्रम की, एक आदमी ने पढ़ी, अहमदाबाद आश्रम पत्र भेजा कि मैंने संकल्प किया है कि हर महीने अपने व्यक्तिगत खर्च में से 50 रुपए बचाऊंगा और 1 रुपए की पुस्तक है मधुर व्यवहार, 50 रुपए की 50 किताबें खरीद कर मैं 50 परिवारों तक पहुंचाने की सेवा हर महीने किया करूंगा। कितनी अच्छी बात है, लोग चाट पकौड़ी खाने में, चाय कॉफी पीने में अपना पैसा बिगाड़ देते हैं और आरोग्य भी बिगाड़ देते हैं जहां तहां खाकर। पति पत्नी गए कॉफी पीने तो दुकानदार ने कहा कि गरम कॉफी का 10 रुपया और ठंडी कॉफी का 15 रुपया। तो पति ने कहा कि गरम कॉफी दो, गरम कॉफी दोनों पति पत्नी ने ली तो पत्नी, कॉफी गरम थी ना तो कप को नहीं ऐसे गरम होती है चाय दूध या कॉफी तो फूंक मारते हैं, तो पत्नी ऐसे फूंक मारने लगी। पति ने कहा जल्दी पी ले, क्यों? बोले क्योंकि ठंडी कॉफी का 15 रुपया लेगा ये। चाय और कॉफी का सेवन जो अधिक करते हैं वो आरोग्य के तो दुश्मन है पर समझ के भी दुश्मन है, इसलिए इन चीजों का अधिक सेवन न करके सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन किया जाए। और तुलसी के पत्ते महीने में 4 दिन नहीं तोड़ना, रविवार वर्जित है, द्वादशी तिथि वर्जित है, अमावस्या और पूर्णिमा 4 दिन तुलसी नहीं तोड़ना, बाकी के दिन में तुलसी तोड़ो तो एक मंत्र बोलना, ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। ये मंत्र बोलकर जो तुलसी का पत्ता तोड़ता है ना तो तुलसी उनके लिए प्रसाद बन जाती है, रोग मिटाने वाली औषधि बन जाती है। तुलसी घर में, हे हरि हे भगवान, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बार बार कीर्तन चल रहा है, बार बार क्यों डिस्टर्ब करते हैं? अभी कीर्तन चल रहा है, इसका काम जल्दी निपटा लो, करना है तो कर लो अभी। नारायण श्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण 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 हरि ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय 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 राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर 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 ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः
पुराणों में कथाएं आती है बड़ी सुंदर, मैं आपको एक सुनाऊं, क्योंकि हम लोग भगवान महाकाल के बहुत करीब बैठे हैं, उज्जैन यहां से ज्यादा दूर नहीं है। किसी काल में चंद्रसेन राजा अवंतिकापुरी में राज करते थे और भगवान शिव के इतने सच्चे उपासक थे कि रात को नींद में भी शिव जी का नाम चलता रहता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, खूब जपते थे। शिव जी के प्रति उनकी ऐसी भक्ति थी कि शिव जी के एक पार्षद मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर बहुत खुश हो गए और उन्होंने चिंतामणि, जिससे मन चाही वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसी मणि राजा को प्रसाद रूप में दे दी। अब राजा का तेज बढ़ गया, प्रजा में समृद्धि बढ़ने लगी, सुख शांति बढ़ने लगी, तो आसपास के जो दूसरे राज्यों के राजा थे वो चंद्रसेन के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने लगे कि इसकी समृद्धि बढ़ती जा रही है। सबने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण करने की सोची और तैयारी कर ली, बस हमला करने ही वाले हैं। चंद्रसेन राजा को इस बात का पता चला कि मैं अकेला पड़ गया हूं और बाकी सब आसपास के राज्यों के राजा इकट्ठे होकर मेरे पर हमला करने वाले हैं, तो राजा ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो याद आई भगवान महादेव की, तो चले गए महाकाल के मंदिर में और महाकाल के मंदिर में जाकर राजा चंद्रसेन ने खूब ही भक्ति भाव से भगवान महाकाल की स्तुति की। अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयो नमोस्तुते। बड़े भाव से भगवान महाकालेश्वर की स्तुति की। इतने में एक विधवा माँ अपने छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे को लेकर मंदिर में दर्शन करने आई थी। बच्चा देख रहा है कि राजा चंद्रसेन शिवलिंग पर कभी बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, कभी फूल चढ़ा रहे हैं, कभी चंदन से त्रिपुंड तिलक कर रहे हैं। मंत्रोच्चार पूर्वक बच्चे को बहुत अच्छा लगने लगा। माँ ने कहा चलो बेटे चलें। बच्चा कहता नहीं माँ, थोड़ी देर रुक जान, बाद में चलते हैं। माँ ने कहा नहीं टाइम हो गया। नहीं माँ, हम भी अंदर जाके वहां पूजा करेंगे। माँ ने कहा नहीं, अभी राजा पूजा कर रहे हैं, यहां तक आने को मिल गया, बहुत है, चल घर चल। बच्चे को जबरन माँ घर ले आई। माँ खाना बनाने लगी, बच्चा बाहर भागा और कहीं से एक पत्थर उठाकर सामने रखकर, और उसको तो पता नहीं, बेल पत्ते की पहचान नहीं थी बच्चे को, बेल पत्र कौन से, तो बच्चे ने सोचा राजा पत्ते चढ़ा रहे थे तो कहीं से झाड़ियों से कुछ पत्ते ले आया अरे, और उन्हीं को बेल पत्र समझ कर उस पत्थर पर भावना करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगा। अब त्रिदलम त्रिगुणाकारम तो उसको बिचारे को आता नहीं था, त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, वो तो उसको आता नहीं था, वो तो भाव से बस ओम नमः शिवाय। माँ बोलती थी तो माँ से सुन लिया था और मंदिर में सुन लेता था ओम नमः शिवाय।
अब चंदन कहां से लाए, चंदन क्या होता है उसको बच्चे को पता नहीं, तो मिट्टी ही गीली करके उसी का त्रिपुंड बनाने लगा पत्थर पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी बहुत राजी हो गए क्योंकि निर्दोष 5 साल का मासूम बच्चा, भगवान वस्तु नहीं देखते भाव देखते। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। देखो उस बच्चे को उस समय कोई चीज की याद नहीं आ रही थी, न चॉकलेट की, न खाने की, न खिलौनों की, कोई याद नहीं थी उसके अंतर में, केवल शिवजी की ही याद थी और कुछ नहीं था। जबकि लोगों के जीवन में न जाने कितनी हीनताएं उनको सताती रहती, और सब हीनताएं आंतरिक अभाव की सूचनाएं हैं। अंदर में कोई अभाव ना हो, गुरु मंत्र हो, गुरु भक्ति हो, गुरु के ज्ञान का विचार हो, तो कोई हीनता भी नहीं रहेगी। बाकी सब हीनताएं आंतरिक अभाव का सूचक है कि आदमी अंदर से कितना अभावग्रस्त है। और ऐसा अभावग्रस्त व्यक्ति आंतरिक रिक्तता को बाहर की उपलब्धियों से भरने की कोशिश, नाकाम कोशिश करता रहता है, क्योंकि अंदर का भिक्षा पात्र कभी भरने वाला नहीं है। और यह अगर बना हुआ हो तो बाहर से कोई सम्राट हो वो भी भिखारी की तरह मरता है, और अंदर भिक्षा पात्र गुरु की भक्ति से टूट गया तो बाहर से पैसा न भी हो तो भी वो मरेगा तो सम्राट की तरह मरेगा, क्योंकि अंदर भिक्षा पात्र नहीं है, अभाव नहीं है, अभाव खत्म हो गया, सद्भाव है, समभाव है, ये भक्ति से होता है। बाकी तो सब कुछ बाह्य है, पैसा बाहर है, गुण भी बाह्य है, प्रभुता पुण्य सब बाह्य है। लोगों की दृष्टि में ऊंचे हो जाते हैं बाह्य उपलब्धियों से, बड़ा मकान है, बड़ी कार है, बैंक बैलेंस खूब है, गहने अच्छे पहनते हैं, तो लोगों की दृष्टि में ऊंचे हो जाते हैं बाह्य उपलब्धि वाले, पर ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं। ईश्वर की दृष्टि में ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं, और लोग लगे हैं लोगों की आंख में अपने को मूल्यवान साबित करने के लिए, पर भक्त भगवान की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लोगों की दृष्टि में ऊंचे उठने को आकांक्षी भक्त नहीं होते, क्योंकि लोगों की आंख में बनने वाली छवि का मूल्य ही क्या है। मानो शाखाएं फैल रही है, जड़ें कमजोर हो रही है, क्या फायदा, अभी गिरेगा। पर जो ईश्वर की आंख में, गुरु की आंख में मूल्यवान होने की भावना रखता है, मानो उसकी जड़ें मजबूत हो रही, देर सवेर शाखाएं भी अच्छी हो जाएगी। अंतर यात्रा अच्छी हो तो बाह्य यात्रा भी अच्छी होती है। जड़ें जितनी वृक्ष की जमीन में गहरी, उतना वृक्ष आसमान में ऊंचा उठता है। 40 लाख रुपया कर्जा था नागपुर में, एक भाई ने बताया, उतर गया। ईश्वर और गुरु की आंख में मेरी छवि अच्छी हो, वो भक्ति से हो जाती है। फिर भले व्यक्तिगत गुरु जी से बात ना भी हो, पर हो जाती है। नांदेड़ महाराष्ट्र के एक भाई आए थे, आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो गई थी, और कंप्यूटर का सारा काम था, तो डॉक्टर ने कहा आपकी आंखों की रोशनी अब और कम होती जाएगी, ठीक नहीं होगी। उसने सोचा बिल्कुल रोशनी चली जाए, एक बार गुरुदेव के दर्शन करके आ जाऊं। नांदेड़ से अहमदाबाद आए, महाराष्ट्र में नांदेड़ शहर आए, दिवाली का पर्व था, बैठे गुरुदेव नजदीक से दर्शन देने आए, तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बात करूं गुरुजी को, अपना दुख सुनाऊं ताकि गुरुजी आशीर्वाद दें, मेरा दुख मिट जाए, ये नहीं सोचा, बैठे रहे शांत। मन में चल रहा था कि बस डॉक्टर बोलते हैं मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी और मैं दोबारा दर्शन नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, आज तो दर्शन हो ही रहे हैं, दिवाली का पर्व है। हाथ जोड़े, टकटकी लगाए गुरुदेव के तरफ, अपलक नेत्रों से निहारते रहे। नजदीक गुरुदेव के दर्शन करने से उनकी आंखों में आंसू भर आए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सिर तो नहीं झुका, एक टक देखते ही रह गए, पर हृदय जरूर झुका था।
और गुरुदेव की दृष्टि भी उनके ऊपर पड़ गई। गुरुदेव ने केवल हाथ से इशारा किया, वो हाथ जोड़े बैठे रहे। गुरुदेव जब तक पीछे गए तब तक पीछे मुड़कर भी देखते रहे। गुरुदेव फिर नजदीक आए तो नजदीक भी हाथ जोड़े निहारते रहे। भक्ति के आंसू आंख से निकले मानो कोई दोष कोई पाप बह गया, कोई घोर कर्म बह गया। और उन्होंने मुझे बाद में बताया कि दिवाली के दिन जैसे लोग दीपक जलाते हैं, ऐसे बापूजी ने मानो मेरे पर नजर डालकर मेरे नेत्र दीपक जला दिए। उस दिन के बाद आंखों की रोशनी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। डॉक्टरों ने कहा घट जाएगी पर मेरी तो बढ़ती गई। इसलिए भक्त लोग बहुत आनंदित और उल्लसित रहते हैं भक्ति के प्रभाव से। एक और बहन पूना से आई थी, उसकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, कुछ बिचारी का दुखद प्रारब्ध होगा। मां ने कहा अहमदाबाद आश्रम जा, गुरुजी के दर्शन भी करना और आश्रम से आयुर्वेदिक दवाई भी ले आना। तो बहन आई पहली बार अहमदाबाद आश्रम, दीक्षा ली थी पहले पूना में, आई बैठी सत्संग में, भीड़ बहुत थी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी के दर्शन करके। फिर उसको हुआ कि चलो अब सत्संग तो सुबह का पूरा हो गया, जाऊं मैं दवा लेकर आऊं। फिर सोचा कि दवा बाद में ले लूंगी, अभी थोड़ी भीड़ कम हुई है, लोग खाने के लिए गए हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा नजदीक खिसक जाऊं, फिर बाद में और बहनें आ जाएंगी। तो वो बहन और खिसक कर आ गई, खाने नहीं गई कि कोई बात नहीं खाना तो रोज खाती हूं, आज एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर थोड़ी जाऊंगी, थोड़ा और नजदीक से दर्शन हो जाएंगे गुरु जी के। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु के दर्शन की बहुत महिमा है। वो और नजदीक आ गई, दर्शन हुए, फिर देखा कि कुछ लोग कुछ बहनें जा रही हैं। पूछा किसी से कहां जा रहे, बोले गाड़ी में गुरुजी जहां से जाएंगे वहां ये नजदीक से दर्शन करने को जा रहे हैं। तो उसने सोचा मैं भी और गाड़ी के नजदीक से दर्शन कर लूं, वहां खड़ी रही। गाड़ी में गुरुजी निकले तो और पीछे से कई साधक आ गए, जिसको धक्का लगा थोड़ा पीछे हो गई, फिर भी उसने गाड़ी में जिस तरफ बापूजी बैठे थे दरवाजे को हाथ लगाकर प्रणाम कर लिया। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। हृदय पूर्वक किया हुआ प्रणाम भक्ति है। भागवत में नवदा भक्ति बताई, उसमें वंदन भक्ति। गाड़ी जब तक दिखती रही वो हाथ जोड़े खड़ी रही, और जब आयुर्वेदिक औषधि लेकर घर गई, औषधि तो निमित्त बनी, करुणा गुरुदेव की बरसी, उसकी किडनी दोनों बढ़िया हो गई, ठीक हो गई। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति सब सुखों की खान है, इसलिए व्यक्ति अपनी भक्ति बढ़ाए ईश्वर में, गुरु में। गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाएं सारे गम, सारे गम भक्ति के प्रताप से मिट सकते हैं, इतनी इस भक्ति की महिमा है। भगवान राम कागभूषणी जी को कहते हैं, बहुत खुश हो गए भगवान राम और कहा वरदान मांगो, तो कागभूषणी ने भक्ति मांगी। तब भगवान राम क्या बोले, सुनवायस ते सहज सयाना, काहे न मांगे सी अस्वर दाना, सब सुख खानी भक्ति ते मांगी, नहीं को जग तो ही सम बड़ भागी। हनुमान जी पर राम जी बहुत खुश हुए और कहा वरदान मांगो, तो हनुमान जी ने क्या मांगा, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी,
देहु कृपा करी अनुपायिनी, ऐसी भक्ति दो कि फिर जाए नहीं, क्योंकि ये भक्ति अति सुखदायी नहीं। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल, दृष्टि तेरी गंगा जल, गहरा तू सागर से बढ़कर, करुणा का तू है बादल, करुणा का तू है बादल, तुम आस मेरे विश्वास मेरे, तुम पास मेरे हर दम, तुम आस मेरे विश्वास मेरे, तुम पास मेरे हर दम, गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम, गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम। नाम तेरा है मंगलकारी, भक्ति के तुम दाता हो, भक्ति के तुम दाता हो, सुख सारे चरणों में तेरे, सब वेदों के ज्ञाता हो, सब वेदों के ज्ञाता हो, तेरा वरण करूं तेरी शरण रहूं, तुम्हें देखा करूं हरदम, वरण करूं तेरी शरण रहूं, तुम्हें देखा करूं हरदम, गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम, गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम। मीरा शबरी ध्रुव बन जाए, ऐसा हमको वर दे दो, ऐसा हमको वर दे दो, लगन तेरी हमको लग जाए, ऐसी हमको प्रीति दो, ऐसी हमको प्रीति दो, कर पार गुरु कर प्यार गुरु, गुरुवर से मिटे बंधन, कर प्यार गुरु कर प्यार गुरु, गुरुवर से मिटे बंधन, गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम, गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम। जग में सुख दुख सारे नश्वर, कोई नहीं है सदा सुखी, कोई नहीं है सदा सुखी, मन मुख को हर दम दुख रहता, गुरुमुख की तो बिगड़ी बनी, ओ गुरुमुख की तो बिगड़ी बनी, गुरु मंत्र जपे गुरुमुख ही रहे, ना मन मुख हो तभी हम, गुरु मंत्र जपे गुरु मुख ही रहे, ना मन मुख हो कभी हम, गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम, गुरु भक्ति में है वो दम, मिट जाए सारे गम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरे भगवान गुरु जी तुम ही मेरे मन मंदिर में तुम ही मेरे मन मंदिर में धड़कन बन कर तुम ही समाए तुम ही मेरे अंतर में हो तुम ही मेरे अंतर में तेरा ध्यान धरूं तेरा नाम जपूं तेरे चरणों में हो वंदन दम मिट जाए सारे गम गुरु भक्ति में है वो दम मिट जाए सारे गम हरिओम 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 सब बोलना साथ में और साधु संत थोड़ा इस तरफ आगे आ जाएंगे तो पीछे कुछ लोग और आगे आ एकांत में बैठते थे तप करते थे और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मेरी इंद्रियां बहिर्मुख न हो आंखों से देखने की इच्छा न हो कानों से कुछ बेकार की बातें सुनने की इच्छा न हो जिन इंद्रियों का जो विषय है मेरी इंद्रियां उन विषयों में न जाए शांत हो ऐसा करके शांत बैठते थे घंटों भर ईश्वर के ध्यान में तो यहां सत्संग में तो सहज में गुरुदेव के प्रताप से इंद्रियां उनके विषयों में जानी बंद हो जाती हैं आंख भी गुरुदेव के तरफ कान भी गुरुदेव की वाणी सुनने में तो कितना लाभ है इसलिए शिव जी ने कहा गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन इसके समान और कोई लाभ नहीं लाभ की कछु हरि भक्ति समाना जेही गावहिं श्रुति संत पुराण सब मिलकर उच्चारण करें हरि ओम